इन दिनों हिना खान बांग्लादेश में चल रहे हालातों को लेकर बेहद परेशान हैं। हिना खान ने अपने सोशल मीडिया पर कई पोस्ट भी किए हैं, जिसमें एक्ट्रेस ने ये लिखा कि चाहे कौम कोई भी हो, लेकिन इंसानियत नहीं मरनी चाहिए, लोगों के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए, माइनॉरिटीज अपने अपने देश में सेफ रहनी चाहिए। हिना ने एक नहीं, दो नहीं, बल्कि कई पोस्ट शेयर कर बांग्लादेश पर अपनी चिंता जताई। हिना खान को यूं परेशान देखकर अब हिना खान के फैंस भी परेशान हो रहे हैं। फैंस हिना को तनाव ना लेने की सलाह दे रहे हैं। फैंस का कहना है कि हिना खान के लिए इतना स्ट्रेस लेना, दिमाग पर इतना जोर देना ठीक नहीं। जी हाँ, एक तरफ जहाँ हिना बांग्लादेशी हिंदुओं को लेकर परेशान है, तो वहीं दूसरी तरफ हिना के फैंस उन्हें लेकर परेशान है। तो हमने सोचा कि क्यों ना हिना के फैंस की परेशानी को जरा कम किया जाए। बता दें कि हमने कई एक्सपर्ट वीडियोस देखी, जिन्होंने ये साफ साफ बताया कि कैंसर पेशेंट्स को स्ट्रेस से कोई खतरा नहीं, स्ट्रेस से कैंसर वापस नहीं आता। दोस्तों, एक क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है कि क्या स्ट्रेस से कैंसर का रिस्क बढ़ जाता है। देखिए, एक स्टडी भी हुई थी तकरीबन 1,00,000 लेडीज के ऊपर, और उसमें देखा गया था कि स्ट्रेस के कारण ब्रेस्ट कैंसर का रिस्क नहीं बढ़ता। तो ये कहना कि स्ट्रेस के कारण कैंसर का रिस्क बढ़ता है, ये ठीक नहीं होगा। ऐसा कोई एविडेंस हमारे पास इसका मौजूद नहीं है। लेकिन हाँ, हमें ये जरूर ध्यान रखना चाहिए कि हम स्ट्रेस को डील कैसे करते हैं। उस चीज का असर जरूर कैंसर होने पे पड़ सकता है। जैसे कि अगर हमने स्मोकिंग ज्यादा शुरू कर दी है, तो हमें मालूम है स्मोकिंग से रिस्क बढ़ जाता है। अल्कोहल, दारू पीनी ज्यादा शुरू कर दी है, तो उससे भी हमारा कैंसर का रिस्क बढ़ सकता है। अगर हमने अनहेल्दी डाइट शुरू कर दी है, वेट गेन ज्यादा हो गया है, इन चीजों से कैंसर का रिस्क बढ़ सकता है। उसमें स्ट्रेस को डील कैसे किया जाता है, इस पे आप जरूर ध्यान दीजिए, और बाकी के दूसरे वीडियोस में उस पे भी हम बात करेंगे। ध्यान रखिएगा दोस्तों, स्ट्रेस के कारण कैंसर बढ़ता नहीं है, हिना बिल्कुल ठीक है। और जल्द ही अदाकारा कैंसर को मात दे देने वाला पोस्ट भी आप सभी के साथ शेयर करेंगी। फाइनल कट न्यूज डेस्क।